नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करेंगे साथियों बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि साथियों हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में। जैसे कि साथियों हम बता दें, जैसे कि आप बोर्ड देख के समझ पा रहे होंगे कि हम किस रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं उग्रसेनपुर रेलवे स्टेशन पे, जो कि उग्रसेनपुर रेलवे स्टेशन से आज का जो वीडियो होने वाला है उग्रसेनपुर रेलवे स्टेशन से लेकर जंघई जंक्शन तक का अपडेट होने वाला है। इसके बीच में क्या कार्य हो रहा है क्या नहीं, बीच में बरियाराम रेलवे स्टेशन भी पड़ता है, उसका भी अपडेट आपको बीच में मिल जाएगा। उग्रसेनपुर रेलवे स्टेशन से लेकर बरियाराम रेलवे स्टेशन टू जंघई रेलवे स्टेशन का अपडेट आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी के साथ दिया देंगे। और साथियों सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे कि आप उग्रसेनपुर रेलवे स्टेशन का देख रहे होंगे क्या काम हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और उग्रसेनपुर रेलवे स्टेशन से गाड़ी कभी भी छूट चुकी है, जैसे कि एक मिनट हो चुके हैं ऐसे आपको पता होगा। और अभी आगे चल के हम देखते हैं और ये देख सकते हैं जो ट्रैक का कार्य है वह संपन्न हो चुका है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। उग्रसेनपुर रेलवे स्टेशन से लेकर बरियाराम रेलवे स्टेशन से लेकर जंघई जंक्शन के बीच में जो ट्रैक का कार्य हो बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो साथियों हम बता दें जो ट्रैक का कार्य है बहुत तेज़ी से चल रहा है, और इस पे देख सकते हैं आप लोग वीडियो के माध्यम से पूरा देख पा रहे होंगे। मशीनें जैसे कि लगी हुई हैं, मशीनें अपने काम कर रही हैं, देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल अपनी लोडिंग कर रही हैं किसी में। और ये ट्रैक का कार्य देख सकते हैं, ट्रैक बिछा दिया गया है और इसको लॉक भी कर दिया गया है। और अभी आगे भी हम देखेंगे, अभी हम कुछ ही क्षण में जो कि बरियाराम रेलवे स्टेशन पे पहुंचेंगे, जो कि अभी उग्रसेनपुर रेलवे स्टेशन की जो गाड़ी है ये डिपार्टेड हो चुकी है उग्रसेनपुर रेलवे स्टेशन से। और अभी कुछ ही क्षण में हम ये देख सकते हैं यहाँ पे जो कि काफ़ी तेज़ी से चल रही है गाड़ी, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्या कार्य हो रहा है। वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उग्रसेनपुर रेलवे स्टेशन से जंघई जंक्शन के बीच में क्या कार्य हो रहा है। आप पूरा वीडियो को देख के समझ सकते हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि क्या दिख रहा है, आपको पूरा दिख रहा होगा। तो साथियों हम बता दें कि बहुत ही मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके सब्सक्राइबर से हमारा मनोबल है वो दो गुना हो जाता है, तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ अपना प्यार व सपोर्ट दोनों बनाए रखेंगे। तो जैसे कि वीडियो थोड़ा बफरिंग टाइप का लग रहा है, थोड़ा रुक झुक रहा है, क्योंकि साथ ही हम बता दें थोड़ा दिक्कत थी फ़ोन की वजह से, थोड़ा फ़ोन में दिक्कत है इसकी वजह से थोड़ा वीडियो में काट छाट हो रहा है। तो ये देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं बरियाराम रेलवे स्टेशन के पास, जैसे कि कुछ ही क्षण में हम पहुंच जाएंगे। ये पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ये देख सकते हैं ट्रैक किस साइड से कैसे कैसे बना रहे हैं, यहाँ पे वर्कर भी लगे हुए हैं, मशीन भी लगी हुई है, काफ़ी दूरी तक बनाया जा रहा है जो बरियाराम रेलवे स्टेशन है। जैसे कि देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे देख सकते हैं वर्कर भी लगे हुए हैं, काफ़ी शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, जोरों थोरों से काम चल रहा है इस रूट पे। देख सकते हैं आप लोग को बहुत ही जल्द आप सभी को फुल अपडेट हम देंगे। उग्रसेनपुर रेलवे स्टेशन से जंघई जंक्शन के बीच का जो अपडेट है आपको मिल ही रहा है इस वीडियो से, बहुत ही जल्द आप सभी को प्रयाग जंक्शन फाफामऊ प्रयागराज जंक्शन पर क्या कार्य हो रहा है उसका भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तभी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल पाएगा। और ये बरियाराम में जो कि गाड़ी का स्टॉपेज है ये कि जौनपुर सिटी स्पेशल है, जिसे एजवा बोलते हैं, ये है लोकल पैसेंजर ट्रेन है। और ये बरियाराम रेलवे स्टेशन पे गाड़ी खड़ी हुई है, और यहाँ पे देख सकते हैं वर्कर काम कर रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं जो प्लेटफॉर्म का कार्य है बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, जैसे कि वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा। और इधर भी देख सकते हैं जो ट्रैक बीच में दिखाई दे रहा है जिस पर गाड़ी खड़ी है, उसके बाद ही जो इंसान सभी लोग उतर रहे हैं। तो ये हम बता दें ये पासिंग लाइन है, हर एक स्टेशन पासिंग लाइन होता है, चाहे जंक्शन हो स्टेशन हो कुछ भी हो, हर एक स्टेशन में पासिंग लाइन होते ही हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दो 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 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं और एक पासिंग लाइन है, तो मिला के तीन रूट हो, मतलब तीन रूट होते हैं स्टेशन पे। और जो कि दो रूट स्पेशली बन ही रहा है, पासिंग लाइन अलग से बनता है, आपको पता है पासिंग लाइन हमेशा बीच में होती है, जो कि और बरियाराम रेलवे स्टेशन से गाड़ी छूट चुकी है और हम अभी बरियाराम रेलवे स्टेशन से आगे निकल रहे हैं धीरे धीरे। और ये देख सकते हैं वर्कर लोग अपना गिट्टी बालू सब कुछ सही कर रहे हैं यहाँ पे।
आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कार हो रहा है क्या नहीं, तो आप लोग पूरा वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो साथियों फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों हम बता दें बहुत दिन से हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे क्योंकि हमारे हाथ में धूप लगने की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो रहा था वीडियो बनाने में। साथियों आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भाई यहाँ का वीडियो लाओ, यहाँ का वीडियो लाओ, यहाँ का अपडेट दो। तो साथियों सबसे पहले आपका सबसे ज़्यादा यहाँ का भी एक कमेंट आया था कि यहाँ से यहाँ का अपडेट चाहिए, तो सबसे पहले वीडियो शायद साथियों हम ये ला रहे हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद आपको NSR का भी अपडेट फुल अपडेट मिलने वाला है, तो आप लोग चैनल पर बने रहेंगे आपको ज़रूर अपडेट मिलेगा। उसके बाद आपको प्रयागराज जंक्शन का भी अपडेट मिलेगा, प्रयाग जंक्शन का भी अपडेट मिलने वाला है आप लोगों को। और उसके बाद आप लोगों को थापा मऊ जंक्शन का भी अपडेट मिलने वाला है। उसके बाद आपको साथियों बता दें सरायचंडी रेलवे स्टेशन का भी अपडेट मिलेगा अलग से वीडियो में, भूषण स्टेशन का भी अलग से आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा, तो आप लोग जैसे ही जुड़ेंगे आपको अपडेट पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। और आप लोग कमेंट करिएगा जहाँ का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, अगर मुझसे हो सकता है तो हम वीडियो बनाने का फुल प्रयास करेंगे। अगर आप तो आपको जल्द से जल्द वीडियो देंगे, समय लगेगा लेकिन वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। तो साथियों देख सकते हैं ये ट्रैक का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तो काफ़ी दिनों से काम चल रहा है, लेकिन ये बता दें कि रेलवे स्टेशन से लेकर बरियाराम रेलवे स्टेशन के बीच में आपने देखा, लेकिन बरियाराम रेलवे स्टेशन से लेकर जंघई जंक्शन के बीच में पूरा बिशनपुर रेलवे स्टेशन से लेकर जंघई जंक्शन के बीच में जो कि 70 से 80% का कार्य जो कि कम्प्लीट हो चुका है। बस बचा समझ लीजिए 20 से 30% का काम और बचा हुआ है, वो भी बहुत ही जल्द कम्प्लीट हो जाएगा। ये देख सकते हैं वर्कर्स लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, सभी लोग लगे हुए हैं। तो साथियों देख सकते हैं हम कुछ ही क्षण में अभी पहुँच जाएंगे जंघई जंक्शन, तो कुछ ही क्षण में जंघई जंक्शन पहुँच जाएंगे। और जैसे कि आप लोग अपडेट देख पा रहे होंगे क्या कार्य हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बार बार आप लोग बोलेंगे इसके बाद रिपीट होता है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट भी कर देते हैं एक ही बार कर दो। साथियों अब क्या इसमें हम आपको बताएं, देख लीजिए अब आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो देख के आपको समझ में ज़रूर आएगा कि हाँ क्या कार हो रहा है क्या नहीं। बार बार वही बातें रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, ये भी बात मुझे पता है, लेकिन बात ये बढ़ जाती है कि बार बार रिपीट करना अच्छी भी बात होती है। जैसे कि पता रहे कि हाँ यहाँ यहाँ से है ऐसे है। तो ये देख सकते हैं हम पूरा करीब में आ चुके हैं जंघई रेलवे स्टेशन के पास, जैसे जंघई जंक्शन बोलते हैं। और जंघई जंक्शन पे आपको जौनपुर जंक्शन के लिए गाड़ी मिल जाएगी, वाराणसी जंक्शन के लिए आपको गाड़ी मिल जाएगी, उसके बाद आपको प्रतापगढ़ लखनऊ के लिए गाड़ी मिल जाएगी, आपको इलाहाबाद मुंबई के लिए भी गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो ये जंघई जंक्शन ऐसा जंक्शन है कि आपको यहाँ पे जिधर भी आप जाना चाहेंगे उधर आपको चार जगह से रूट को जोड़ता है, चारों दिशाओं में आपको भेज सकता है, तो चारों जगह आप जा सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि बादशाहपुर प्रतापगढ़ होते हुए लखनऊ दिल्ली के लिए भी आप जा सकते हैं, उसके बाद आप जंघई से फूलपुर से प्रयागराज होते हुए मुंबई को भी जा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको जैसे वाराणसी जाना हुआ तो आप भदोही मार्ग से होते हुए वाराणसी भी जा सकते हैं। अगर आपको जौनपुर जाना हुआ तो जंघई से लेकर मड़ियाहूँ से जौनपुर का मार्ग के लिए भी आप जा सकते हैं, जौनपुर जंक्शन के लिए, वाराणसी जंक्शन के लिए। तो आपको हर एक जगह के यहाँ पे गाड़ी मिल जाएगी। तो साथियों सबसे पहले हम अब आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहते हैं, आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम पहुँच चुके हैं जंघई जंक्शन के पास, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तो चलिए आपसे हम उम्मीद करेंगे वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। अभी जो भी बचा शेष टाइम बचा हुआ है, जो भी जंघई जंक्शन का शेष टाइम अभी चल रहा है, जो भी 1.5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, अभी जो गाड़ी है ये धीरे धीरे करीब में जंघई जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 नंबर पे खड़ी होने वाली है, 2 नंबर पे जा रही है धीरे धीरे अपने स्पीड को स्लो करते हुए और धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे को जा रही है, क्योंकि यहाँ जंघई जंक्शन में इसका स्टॉपेज है जो कि एज एक्सप्रेस एजवा है जिसे एजे बोलते हैं और जौनपुर सिटी स्पेशल है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे और जंघई जंक्शन
जो जंघई जंक्शन का ये, इसको हम आपको अलग से एक अपडेट देने वाले हैं। जंघई जंक्शन का प्लेटफॉर्म पे क्या कार्य हुआ है, क्या आगे कार्य हुआ है, पूरा आपको ये एक ही वीडियो में जानकारी मिलेगा। तो आप लोग चैनल पे हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर, आपको फुल अपडेट मिलने वाला है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा प्लेटफॉर्म संख्या 4-5 पे काम चल रहा है, तो आपको इसका भी अपडेट हम देने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर, और जुड़िएगा, हम आपको इसका अपडेट देंगे। और बहुत ही जल्द अब हम लोकल छोड़ के बहुत दूर दूर से अब वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोकल में है, लोकल का भी अपडेट आपको मिलता रहेगा, उसके बाद अब दूर का भी वीडियो आपको मिलेगा। तो आप चलिए हम लोग हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाद जय हिंद, भारत वंदे मातरम।